जय मशाना भैरू बाबा जी, आज हम चलते हैं एक सुंदर से प्यारे से मंदिर। वैसे तो मशाना भैरू बाबा जी के मंदिर कई जगह बने हुए हैं, पर बाबा का मेन मंदिर रायसर में स्थित है। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम आ चुके हैं मशाना भैरू जी के मंदिर, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर रायसर में स्थित है। आज हम बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा के मंदिर के बारे में जानेंगे और बाबा के बारे में जानेंगे कि बाबा यहाँ पे कब और कैसे आए और यहाँ पे कब प्रकट हुए। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। बताया जाता है मशाना भैरू बाबा जी का मंदिर यहाँ राजा महाराजाओं के समय से है। कहा जाता है उस समय बाबा एक खम्बे के रूप में पूजे जाते थे। यहाँ के निवासी उस समय यहाँ बकरियाँ चराया करते थे। उन्होंने मशाना भैरू बाबा जी को एक खम्बे के रूप में देखा। फिर ग्वालों ने बाबा जी को तेल और सिंदूर चढ़ाकर मशाना भैरू जी का रूप दिया। यहाँ के खेती बाड़ी करने वाले लोग बाबा की पूजा करने लगे और अपनी खेती बाड़ी के लिए मनोकामना मांगने लगे। फिर यहाँ के लोगों में बाबा जी के लिए मान्यता और बढ़ने लगी और गांव के लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे सभी लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी। फिर समय के साथ आसपास के गाँव वाले भी बाबा को पूजने आने लगे। फिर ये बात यहाँ के राजाओं को पता लगी तो राजा भी बाबा के दर्शन करने के लिए आए और उनकी भी मनोकामना पूरी होने लगी। फिर एक बार राजा ने बाबा से बोला, बाबा अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो जो आप बोलोगे मैं आपको वही चढ़ाऊंगा। बाबा ने अपने रूप की एक छवि दिखाई और राजा से बोले, तू मुझे दारू पिलाएगा? राजा ने बोला, बाबा मैं आपको ढाप कर दारू पिलाऊंगा अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो। अब राजा था, राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया और बोल दिया कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा दारू लेकर आओ। राजा ने बाबा के लिए खूब दारू मंगवाई, पर बाबा के स्थान पर दारू पहुंच नहीं पाई। आने से पहले ही सब दारू खत्म हो गई। रहस्य है कि जो दारू बाबा के स्थान तक पहुंची उसका पता नहीं चला वो कब और कहां कैसे खत्म हो गई। तो राजा ने बाबा से क्षमा मांगी और बोला, बाबा मुझसे भूल हो गई, बाबा जी जैसा आप बोलोगे वैसा ही सब होगा। तो बाबा ने बोला, गांव में मेरा मेला भरवा दे, जो मेरे मेले में आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बाबा का मेला फागुन के महीने में लगता है, जो मार्च के महीने में आती है। मेले में लाखों यात्री दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, देश विदेश से भी बाबा के दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं। मशाना भैरू बाबा से झोली फैला के जो मांगो वो सब मिलता है। समय के साथ बाबा जी यात्रियों के कुल देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। यहाँ जोड़े की जात, नव वर्ष शिशु के चोटी और जड़ूले भी चढ़ाए जाते हैं। बाबा का मेन भोग है दारू की बोतल, बाटी, लौंग, पतासे, मखाने, ये सब बाबा को चढ़ाया जाता है। और सभी की मनोकामना पूरी होने के बाद लोग अपनी खुशी से बाबा को बकरा भी चढ़ाते हैं। भैरू बाबा की जय। मशाना भैरू की जय। हम रात को 2 बजे बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँचे हैं। आप बाबा के दर्शन करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। बाबा के मंदिर के कपाट हमेशा खुले रहते हैं। अभी मेला भरा नहीं है, मेला होली से 8 दिन पहले भरता है। 7, 8 और 9 पे मेला भरता है। बाबा के दर्शन करने वाले सभी यात्रियों की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में दान पात्र भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ दान दक्षिणा करते हैं तो ये दान मंदिर के निर्माण में काम आता है। मंदिर में बाबा की झंझीर देखने को भी मिल जाती है। बाबा को रायसर के मशाना भैरू के नाम से भी जाना जाता है। बाबा के मंदिर के बाहर अघोरी जी का मंदिर भी बना हुआ है। बाबा के दर्शन करने के बाद यात्री अघोरी बाबा के दर्शन करते हैं, अघोरी बाबा को प्रसाद और दारू चढ़ाते हैं। साथ में एक प्यारा सा सुंदर सा शिव मंदिर भी बना हुआ है। अब हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। मंदिर के बाहर मार्केट भी है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यात्रियों के लिए धर्मशाला की सुविधा भी है, यहाँ छोटी छोटी धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ पर फ्री बाइक पार्किंग और कार पार्किंग की सुविधा भी है। अगर आप भी मशाना भैरू बाबा जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप बस और ट्रेन से भी आ सकते हैं। दौसा रेलवे स्टेशन से आपको 100-150 रुपए में जीप गाड़ी मिल जाती है। मंदिर के लिए बस आपको रायसर तक के लिए मिल जाती है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मशाना भैरू बाबा के दर्शन करने के बाद यात्रा पूरी नहीं होती है, उसके बाद हमें बाकी माता के दर्शन करने के लिए जाना होता है। इसीलिए बाबा को बाकी के मशाना भैरू के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए माता के दर्शन करने के लिए, बट उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में हमसे मिलना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, माता रानी के दर्शन करते हैं उसमें। तो जय बाकी माता की, जय मशाना भैरू की।